टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एमएनएस ऑफिस की बोट फाड़ने को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक नारायण कडलक ने बताया है कि बोट फाड़ने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों आरोपी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। बहरहाल बताया है कि ये दोनों नशे की हालत में थे और इस दौरान इन दोनों ने पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से एमएनएस पार्टी के ऑफिस का बोर्ड जो है वो फाड़ दिया गया है। हालांकि इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किसी भी पार्टी से ये आरोपी जुड़े हुए नहीं थे। शमीम खान ने ये भी बताया कि पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने वाले एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शमीम खान का साफ कहना है कि जो एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता वहां गए थे उन्हें मना किया गया था कि किसी भी ऑफिस किसी भी पार्टी का वोट नहीं फाड़ना है, लेकिन इसके बावजूद ये जो घटना हुई, बहरहाल इसमें जो पकड़े गए आरोपी वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन शमीम खान का कहना है कि ऐसे पार्टी कार्यकर्ता जो पार्टी के खिलाफ जाकर काम करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले आपको सुनाते हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक नारायण कडलक ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, उसके बाद आपको सुनाते हैं एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने आज तमाम उलमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर क्या जानकारी मीडिया को दी है। के मनसे कार्यालय पे दो लोगों ने कुछ पत्थरबाजी की थी, उस सिलसिले में मुमरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की थी। वो उनको हमने रात को जो सीसीटीवी फुटेज के तहत ढूंढ निकाला और उनके ऊपर हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या नाम है जो लोगों को पकड़ा गया है? उनका कोई राजकीय बैकग्राउंड या कोई राजकीय पार्श्वभूमि नहीं है, वो इसी नशे में थे और उन्होंने ऐसे नशे में उन्होंने ये काम किया। मनसी के जो पदाधिकारी उनका कहना था कि एनसीपी के लोगों द्वारा शायद ये किया गया है, लेकिन मनसी बताया जा रहा है कि ये लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं। बिल्कुल कोई पार्टी के जुड़े नहीं। हालांकि मनसी की जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जो लगाया है अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने हमको ये सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस जरिए हमने वो तीनों को अभी रात को खोज निकाला और लाया है, अरेस्ट किया है। सर क्या गुनाह दाखिल हुआ है? अभी उसमें अलग अलग लगा है कलम, जो दो लोगों में अपना जो पक्षों के इसमें टेढ़ निर्माण करना या फिर नुकसान करना, तो ये सब हम लगाया और उनके ऊपर अभी कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। कल रात में कि हमारे शहर में तनवर नगर में यहाँ पे मनसे की कोई एक वाहतूक सेना की उनकी ऑफिस है और उस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, यानी उनके बोर्ड फाड़ दिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं से कुछ लोग ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता थे, तो मैं आपके माध्यम से ये साफ करना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता नहीं थे, ना राष्ट्रवादी का उसमें कोई लेना देना है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे ये बात तो पुलिस भी साबित कर रही है। शमीम भाई, एनसीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अयाज बबलू, इन्होंने जिस वक्त जाकर वहाँ इस तरह की बातें की थी बोर्ड उतारने के लिए, उस वक्त क्या आप लोगों से अयाज बबलू की कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, मैंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कल शाम के टाइम पर और हमारे जितने भी ग्रुप हैं वहाँ मैसेज चल रहा है मेरे तरफ से, क्योंकि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का ये बहुत पहले भी हमें आदेश हुआ था कि अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई किसी तरीके का इंटरव्यू देना चाहता है या कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड बातों को लेकर के बयानबाजी करना चाहता है तो सबसे पहले वो पार्टी के हाईकमान से बात करें, और अगर हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं बिजी हैं, तो हमारे जो शहर के बाकी
जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करें और बिना वरिष्ठों से बात किए हुए कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें। ये जो उस दिन उन्होंने बयानबाजी किया है मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, ऐसी बयानबाजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के परिवार से कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने तो ये डाला है ग्रुप में, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। यानी आप बता रहे हैं कि अयाज बबलू ने आप लोगों से इस बात की परमिशन नहीं ली थी, मतलब कोई चर्चा नहीं हुई? चर्चा नहीं होती तो फिर आप क्यों, आप ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अगर वरिष्ठों से आदेश बिना लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं मीडिया में खासतौर पर, तो आप लोग ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह का स्टैंड लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज जो ये कुछ हुआ या बयानबाजी हुई, मैं बबलू अयाज को ये कहना चाहता हूँ और उनके तमाम उन साथियों को जो वहाँ उनके साथ में थे या उनको उन्होंने उकसाया या उन्होंने खुद भी किया, या आने वाले वक्त में कोई भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का हो, तो उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगरचे आपने किसी ने भी पार्टी के गाइडलाइंस से बाहर जा कर के अपने वरिष्ठों से बिना बात किए हुए, अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से बिना बात किए हुए अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट या इंटरव्यू आता है तो उसके ऊपर पार्टी सख्त एक्शन लेगी, सख्त कार्रवाई करेगी।